आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश अग्रवाल और हम लोग साथ में सीखेंगे मैथमेटिक्स। अब सबसे पहले कोर्स किन लोगों के लिए, जो भी कैंडिडेट्स कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीपीओ हुआ, रेलवे हुआ, बैंकिंग हुआ, उन सब लोगों के लिए स्पेशली ये कोर्स हम लोगों ने डिसाइड किया है एसएससी एग्जाम के लिए। अब इस कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, इसमें मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स आप जानना चाहें, जैसे कि एलजेब्रा, एरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन या कोई भी टॉपिक जो आप जानना चाहें, हम ये सब कुछ कवर करेंगे इस पूरे मैथमेटिक्स कोर्स में। ये पूरा सीरीज होगा तो हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करके एंड तक जाएंगे और सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे स्पीड मैथ से। अब स्पीड मैथ से क्यों, देखो इसके काफी रीजन है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्पीड। क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स पेपर में हमने देखा है कि क्वेश्चन बहुत होते हैं और टाइम बहुत लगता है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, तो उसके एग्जाम क्लियर करने के बहुत बहुत चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पीड मैथ्स। अब स्पीड मैथ्स हर जगह लगती है, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे एरिथमेटिक हो, चाहे ज्योमेट्री हो, हर जगह बेसिक कैलकुलेशन तो जरूरी है। तो आइए स्पीड मैथ्स सीखते हैं। सबसे पहले हम आज सीखेंगे कोई अगर दो नंबर दिए हैं उनको कैसे 3-4 सेकंड में मल्टीप्लाई किया जाए। नॉर्मल में आप लेंगे 10 सेकंड 20 सेकंड 40 सेकंड, हम लोग सीखेंगे कैसे 3 सेकंड में आप उसको मल्टीप्लाई करें। चलिए दो नंबर लेते हैं। सपोज मैंने पहला नंबर लिया, सपोज 98, और मुझे मल्टीप्लाई करना है उसको 97 से। अब मैं करके दिखाऊंगा कैसे 3 सेकंड में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर मैं उसका तरीका भी बताऊंगा। मैं देखिए मेरा नंबर लिया 98, 97, 2 लिखा, 3 लिखा, 326, 98, 950 इज द आंसर। 3 सेकंड लगे। अब मैं इसको दिखाता हूं मैं सॉल्व कैसे किया। इसका मेथड बहुत ही सिंपल है, यह है वैदिक मैथमेटिक्स। मैंने पहला नंबर लिया 98, मैंने यहां पे लिख दिया 98, दूसरा नंबर है 97, मैंने 97, तो दोनों नंबर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, एक के नीचे लिख दिए। अब ये दोनों नंबर किसके पास है, 100 के पास है, तो मेरा बेस हो गया 100। 98 में से 100 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -2। 97 में से 100 माइनस करेंगे तो -3। अब सिर्फ इस नंबर को सिंपल मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 = 6, मेरा आधा आंसर आ गया। अब ये नंबर को मैं इससे प्लस कर सकता हूं, 98 - 3 = 95, या फिर इस नंबर से इसको कर सकता हूं, 97 - 2 = 95, मेरा आंसर आ गया 9506। है ना आसान। सिर्फ यही नहीं, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। चलो हम दूसरा नंबर लेते हैं, इस बार हम लेते हैं सपोज 104 × 10 = 9, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे, मैंने लिखा 104 109, सेम स्टेप है, 104 - 100, बेस मेरा फिर से 100 है क्योंकि 100 के पास है, 104 - 100 = 4, 109 - 100 = 9, 9 × 4 = 36, प्लस किया 113, मेरा आंसर 113 = 36, हुआ ना आसान। चलो हम और नंबर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे किया जाए। आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो छोटे नंबर है, छोटे नंबर के आराम से हो जाएगा, बड़े नंबर में क्या होगा, बड़े नंबर में भी सेम मेथड है। मैं 3 नंबर लेता हूं, मैंने लिया 994 और मुझे मल्टीप्लाई करना है 993 से, थे बड़े नंबर, मेथड इज एग्जैक्टली सेम। देखो कैसे, पहले मैंने लिखा 994, फिर मैंने लिखा 993, 994, इस बार हम बेस लेके 1000, क्यों, क्योंकि मेरे 3 नंबर है, मैंने 1000 बेस ले लिया। 994 - 1000 = 6, नोट करिए मैं 3 डिजिट में लिख रहा हूं क्योंकि मेरा 1000 बेस है, तो मैं लिखा 6। 993 - 1000 = 7, 6 × 7 = 42, मैं लिखूंगा 042। वैदिक मैथमेटिक्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो 3 डिजिट्स है
इसलिए मैं लिखूंगा 42 डिजिट्स में। मेरा आधा आंसर तो आ गया। अब देखिए इसको करना है 994 माइनस 7 आंसर ही 987042 माइनस क्यों किया? क्योंकि हमारा यहां माइनस आ गया, हो गया हमारा। चलो बड़ा नंबर लेते हो, 1000 से ज्यादा नंबर लेते। मेरा नंबर लिया 1014 × 1008। हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो 1014 माइनस 1014 राइट, 1008 माइनस 1000 कितना होता है? 8। अब मुझे 14 × 8 करना है। 14 × 8 कितना होता है? 14 456 112 मैंने लिख दिया 112 हो गया, आधा आंसर आ गया। इसको मैंने इससे प्लस किया 1022 माय आंसर इज 1022112। इतना बड़ा नंबर मैंने 5 सेकंड में मल्टीप्लाई कर दिया। तो है ना आसान, कैसे भी कोई दो नंबर को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 या 4 सेकंड में। यह है हमारा स्पीड मैथ्स। कोई भी स्पीड मैथ्स के लिए बेसिक जरूरी क्या है? टेबल्स। हम लोगों ने सबसे पहले सीखा कि मल्टीप्लीकेशन, हम आगे सीखेंगे कैसे डिविजन करना है, कैसे स्क्वायर करना है, कैसे स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे क्यूब रूट निकालना है, कैसे एचसीएफ एलसीएम हम लोग 4 सेकंड में निकाल सकते हैं और कैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ये सब लोग हम सीखेंगे स्पीड मैथ्स में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कैरी वाले क्वेश्चन कैसे करें, हम उसमें नेगेटिव वाले कैसे करें, बड़े नंबर कैसे करें, हम वो सब कुछ सीखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो नंबर सारे मैंने 100 से पास लिए और 1000 से पास लिए, तो क्या ये नंबर सिर्फ मेथड सिर्फ उन्हीं के लिए? बिल्कुल नहीं, कोई भी नंबर ले सकते हो आप। कि जरूरी नहीं कि 100 के पास हो या 1000 के पास हो, आप कोई भी नंबर 481 325 75 5322 कुछ भी नंबर ले सकते हो। वो हम लोग अगले लेसन में सीखेंगे कि अगर नंबर 100 के पास नहीं है, 1000 के पास नहीं है, तो उसको कैसे किया जाए। बहुत आसान तरीका है, सेम मेथड रहेगा, एक स्टेप ऐड हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कोई भी क्वेश्चन हो फील फ्री टू रीच अस, मैसेज करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।